हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक अर्थात पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये कक्षा 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में और 11वीं और 12वीं में सभी क्लासों में ये होता है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है नाउन। तो सबसे पहले हमें नाउन की डेफिनेशन आने चाहिए। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब होता है नाउन है क्या? है नाम। नाउन सिर्फ नाम होता है किस किस का? पर्सन यानी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति है उसका नाम। प्लेस यानी कोई भी स्थान हो सकता है और थिंग यानी कोई भी वस्तु हो सकती है या कोई जानवर भी हो सकता है। तो इस प्रकार सिर्फ नाम को ही नाउन कहते हैं। आप ऐसे भी मिला सकते हैं नाम नाउन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में होता है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जैसे देखिए, किसी का नाम हो गया सोहन, जी नाम हो गया किसी का। प्लेस यानी स्थान हो गया ललितपुर। वो कोई भी वस्तु हो या था चेयर। तो सिर्फ इनका नाम चाहिए हमें। लड़के का नाम है सोवन, जगह का नाम है ललितपुर और वस्तु का नाम है चेयर। इन तीनों को कहेंगे हम लोग नाउन। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ नाउन, तो नाउन हमारे होते हैं 5 टाइप्स के यानी 5 प्रकार के। सबसे पहला हमारा जो होता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो किसी का विशेष नाम हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी का नाम है मीना, उसको हम लड़की भी कोई किसी लड़की तो हम किसी को भी बोल सकते, लेकिन वह उसका विशेष नाम नहीं होगा। हमने बोला हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन अगर हमने बोला कि हम ललितपुर घूमने जा रहे हैं तो ये विशेष नाम है कि सिर्फ ललितपुर जा रहे हैं। तो जब भी विशेष नाम आएगा उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? दूसरे नंबर का है हमारा कॉमन नाउन, मतलब ऐसा शब्द यानी ऐसा नाउन जो विशेष नाम नहीं रखता हो। जैसे बॉय, अब लड़का तो किसी को भी कह सकते हैं, जैसे सोहन है तो उसको भी बॉय बोल सकते, मोहन है उसको भी बॉय बोल सकते, कोई स्पेशल नाम तो नहीं है। लेकिन इधर स्पेशल नाम है कि कोई भी लड़की है उसको मीना है तो सिर्फ मीना ही है। तो यहाँ पे कोई विशेष नाम होता है और कॉमन नाउन में कोई विशेष नाम नहीं होता। जैसे बुक है, बुक तो कोई भी हो सकती, इंग्लिश की हो सकती, संस्कृत की हो सकती या और भी कोई विषय की, जैसे साइंस की हो सकती, मैथ की हो सकती। लेकिन अगर हमने बोला साइंस की बुक तब ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, लेकिन अभी बुक बोला हमने तो कोई विशेष नाम तो है नहीं इसका, इसीलिए ये है हम कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव का मतलब होता है, आप इसका अर्थ लगा सकते हैं ग्रुप। ऐसे नाउन जो हमेशा ग्रुप में रहते हों, ग्रेप्स। अंगूर हमेशा कैसे रहते हैं? एक साथ बहुत सारे अंगूर होते हैं, वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, इसलिए उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पुलिस, पुलिस का भी अर्थ हमेशा ग्रुप में ही लगाया जाता है क्योंकि वह भी ग्रुप में ही होती है। आगे होता है हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे नाउन जो रियल में होते नहीं है, सिर्फ हम उनको महसूस कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस माना होता है प्रसन्नता। क्या कोई ने प्रसन्नता देखी है? किसी ने प्रसन्नता नहीं देखी है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि आप हमें प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, जबकि प्रसन्न कोई चीज होती नहीं है। ईमानदारी, जैसे हम कहते हैं कि वह बड़ा ईमानदार है, लेकिन दिखता थोड़ी है, सिर्फ हम महसूस करते हैं कि वह ईमानदार है। अर्थात ऐसे नाउन जो रियल में होते नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं और उन्हें ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे वो रियल में उपस्थित हो, ऐसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, मटेरियल का अर्थ होता है ऐसे नाउन जिनसे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकें, अर्थात दूसरा नाउन बना सकें। जैसे आपका लिखा हुआ है मिल्क, मिल्क से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, इसलिए मटेरियल नाउन है। गोल्ड मतलब सोना होता है, सोने से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हो, गहने बना सकते हो। तो ऐसे नाउन
जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो आज हमने नाउन की डेफिनेशन सीखी और नाउन के प्रकार तथा उसके उदाहरण। इसी प्रकार यदि आप वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा इसको शेयर करें, और इस ग्रामर से संबंधित आपके सभी पार्ट ऑफ स्पीच कराए जाएंगे। इससे आगे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और भी जो भी ग्रामर के अंदर टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता, या अर्थात आपको सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। सिर्फ आपको हमारी वीडियो की जानकारी ही मिलेगी, उसका कोई पैसा नहीं होता।